जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हाजीपुर की है जहां मंगलवार को चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन किया। मंच पर जरा चिराग के बगल में खड़ी उनकी मां रीना पासवान को देखिए। रीना पासवान का पांव छूकर आशीर्वाद लेते चिराग पासवान को भी देखिए। ये तस्वीर एक बड़ी पिक्चर का ट्रेलर नजर आ रही है। चलिए पूरा मामला आपको बता देते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की हाजीपुर सीट का पेच और उलझता जा रहा है। कौन होगा हाजीपुर से एनडीए का उम्मीदवार, इस पर चाचा भतीजे की जंग जारी है। चिराग हिंट दे चुके हैं कि हाजीपुर से उनकी मां रीना पासवान भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। मां के साथ हाजीपुर पहुंचे चिराग ने मंच पर मां के पांव छुए और मां से आशीर्वाद भी लिया। मंच पर मां बेटे का इमोशनल एक्ट देखिए। दरअसल चिराग पासवान ने हाजीपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। ये पहला मौका था जब रीना पासवान बेटे चिराग के साथ किसी राजनीतिक मंच पर पहुंची। रीना को मंच पर लाकर चिराग इमोशनल कार्ड खेल गए। हाजीपुर की जनता का रामविलास पासवान से फिर से कनेक्शन जोड़ने के लिए चिराग का मां को आगे करना ब्रह्मास्त्र की तरह नजर आ रहा है। चिराग ने इस दाव से अब चाचा पशुपति पारस और गठबंधन का नेतृत्व कर रही बीजेपी को फंसा दिया है। पशुपति पारस और बीजेपी दोनों के लिए रीना का विरोध करना अब मुश्किल होगा। पशुपति पारस भतीजे चिराग के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान की हमेशा तारीफ करते हैं। अब अगर वो रीना की उम्मीदवारी का विरोध करते हैं तो इससे रामविलास के विरोध का संदेश जाने का खतरा होगा और इसका नुकसान हाजीपुर के साथ ही पूरे प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। पारस की पार्टी क्या कह रही है सुनिए। हाजीपुर से कल चिराग पासवान की विशाल रैली के बाद उन्होंने अचानक से दावेदारी शुरू कर दी और अचानक से उन्होंने अपने और अपने माताजी का नाम डाला। बहुत अजीब सी बात है कि अचानक से आप उठ के हाजीपुर चले जाते हो और एक इमोशनल एंगल फिर से आप खेलने की कोशिश करते हो, जो आपने पहले भी किया है। पहले आपने पिताजी के नाम को यूज़ किया, अभी आप अपने माताजी को नाम को यूज़ कर रहे हो। और अगर माता की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बड़ी मम्मी और आपकी मम्मी दोनों इस चीज़ के हकदार है, तो उसके ऊपर सोचा जाए। और हाँ, डेफिनेटली रीना पासवान जी का कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड कभी रहा नहीं, एंड जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वाइफ ऑफ सम लेजेंडरी लीडर बोल के उनको लड़ने देना चाहिए, ये कितना तवज्जो है मुझे नहीं पता। बाकी सारी ऑथोरिटिव डिसीजन जो है वो हमारे वरिष्ठ जितने भी नेता हैं एनडीए के वही लेंगे, इंतज़ार करना ही बेटर है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी, चिराग जी पापा की परी बनते बनते कहीं आप ये ना भूल जाएं कि आप दावेदारी करते करते एक ईगो का लड़ाई आप लड़ना शुरू कर दिए, जो कतई एक लीडर को शोभा नहीं देता। हाजीपुर लोकसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से रिकॉर्ड वोट से जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे हैं। 2019 के चुनाव में रामविलास ने अपनी सीट से अपने भाई पशुपति पारस को उतार दिया। रामविलास की इसी विरासत पर दावा ठोक रहे हैं चिराग और पारस। देखना होगा हाजीपुर से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा। हाजीपुर से संवाददाता संदीप आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे।